बड़ी भूमिका है समाज के बसे लोगों की, जिन्होंने कृष्ण को जाना ही नहीं। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है। 10,00,000 वर्ष पहले हम सृष्टि के रचना के एक बिंदु थे, और उसके पहले हम लोगों को लगा कि हम लोग हैं कौन, किसने क्रिएट किया, कौन क्रिएशन में थे, दुनिया किसने बनाई। तो एक जगह जाके हम लोग रुक गए बिंदु, और उसके बाद हमने सोचने लगा कि कोई एक अदृश्य पावर था, है, जिसने क्रिएट किया इस सृष्टि का। और उसके पहले 1,00,000 वर्ष पहले विज्ञान कहता है कि हम होमो सेपियन और सेपियन, बनमानुष और चिंपांजी के बाद मनुष्य का आकार के जीवन में हम आए, और तब से सभ्यता का विकास हुआ, और इस दुनिया का ब्लड ग्रुप एक है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है। कृष्ण तो आडंबर और अंधविश्वास को मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका विज्ञान कहता है। विज्ञान, और इसमें आप लोग पढ़े लिखे सब लोग अच्छे समाज के लोग हैं, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं। मेरा सौभाग्य होता है कि कभी कभी आपका सानिध्य और आशीर्वाद आप जैसे लोगों का, मंच पर बैठे युवाओं का, इनका लड्डू जी लोगों की कृपा हो जाती है, अध्यक्ष लोगों की, लोगों की, तो हम आशीर्वाद आपका ले पाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है, गोवर्धन पहाड़ का रेस्पेक्ट आज क्यों है इस दुनिया में। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, प्रकृति और परमात्मा के नैसर्गिक मिश्रण से मनुष्य के अस्तित्व का एक विकास हुआ। सृष्टि का विकास बहुत लंबे समय से हुआ, और उस बीच में ईश्वर ने एक मनुष्य के अस्तित्व को लाया, ताकि सारी रचना को खूबसूरत तरीके से चला के पूरे विश्व के मानवीय कल्याण के रास्ते और पथ के पथिक बन सके। गोवर्धन जो पहाड़ था, इन्हें समझना होगा हम सबको, या कोई ये नेचर से जुड़ा हुआ, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक वे ऑफ लाइफ है कि हम उसकी इज्जत। किसी कृष्ण के किताबों में यह नहीं कहा कि तुम गाय की पूजा करो और बैल की ना करो, और बैल की पूजा करो भैंस की ना करो। यह सच है कि अब आप गंगा की पूजा करते हैं। पानी का रेस्पेक्ट दुनिया में बहुत आवश्यक है। पानी, गगन, हवा जिसको कहते हैं, क्षितिज, धरती, आप उसकी इज्जत करें। अभी जब हम आ रहे थे पत्रकार जी, तो हमको याद आ गया नरेंद्र मोदी जी का वो पन्नी चुनना, क्योंकि पूरा का पूरा गंदगी हमको लगा कि आरा में ही है मंत्री जी के क्षेत्र में। यदि मैं नाला को देख रहा हूं, मुझे याद आ जाता है इन नेताओं का झाड़ू देना और पेपर में छपाना। जब हम 11 दिन कचरा उठा रहे थे पटना में, तो बच्चे का लाश मिला, कहीं शुगर का लाश मिला, कहीं कुत्ता का लाश मिला। पाटलिपुत्रा में हम लगभग 150-160 लगभग हमने कचरे को जब हम उठा करके फेंक रहे थे, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। आश्चर्य होगा आपको कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब ये नेता लोकसभा में जहां 3 करोड़ रुपया देवी सफाई पर खर्च होता है, और वहां झाड़ू दे के फोटो छपा के आपका इस्तेमाल करते हैं और आप इस्तेमाल होते हैं, जब चारों तरफ से वीडियो लगा करके गंगा के किनारे, जब पन्नी चुन करके हम दुनिया के आवास करते हैं, और जब हम लोग बिना सूखा पत्ता के कच्चा पत्ता को चुनते हुए फोटो छप जाती है, तो जब हम आ रहे थे तो नेचर के मामले में जब हमने देखा पूरा नाला और पूरा उस पूल के बाद पूरी की पूरी गंदगी और आरा का पूरा कचरा डंप किया हुआ,
आपको आश्चर्य होगा, 10,000 करोड़ रुपया खर्च किए 9 से 19 तक नीतीश बाबू सिर्फ पटना में। हमने हाईकोर्ट में यह एफिडेविट दिया है, 9,000 करोड़ रुपया सिर्फ नीतीश की सरकार ने सीवरेज पर खर्च किया। 26 साल के अंदर 764 करोड़ रुपया जब इंग्लैंड में सीवरेज सिस्टम लागू हुआ था और IDFA के तल पर इंग्लैंड ने सीवरेज बनाया तो दुनिया में सबसे खूबसूरत